हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सो दिस इज़ स्वाति एंड मैं शेयर करती हूँ अपना लाइफस्टाइल इन कनाडा अपने व्लॉग्स पे, और ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूँ कनाडा के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर रह के सीखी है। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स एंड हिट दैट लाइक बटन। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं। सो इन जनरल अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक 4 या 6 महीने भी लग जाते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो रेगुलर डॉक्टर्स तो आपको देख लेते हैं विद इन 1 वीक अपॉइंटमेंट के बाद, लेकिन जैसे मुझे गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए था तो मुझे अराउंड 4 मंथ्स लगे फाइनली एक अपॉइंटमेंट के लिए। बट हाँ, जब एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद आपको जो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ वो रेगुलर हो जाते हैं। सो आज मैं जा रही हूँ एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आए हैं, मुझे कुछ थोड़ा इशू चल रहा है। क्या है इशू वो सब आपसे अलग एक अलग ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो आई एम जनरली फाइन, आप देख रहे होंगे मैं ठीक ठाक ही लग रही हूँ, बट हाँ कुछ थोड़ा सा इशू है। तो उसके लिए एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक रेगुलर अल्ट्रासाउंड करा लो। सो आज मैंने सोचा, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ एक हॉस्पिटल, यहाँ का एक हॉस्पिटल है वैंकूवर का सेंट पॉल्स हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी उसमें वेटिंग होती है, लेकिन अंदर जो है काफ़ी अच्छे से वेल मैनेज होती हैं सब चीज़ें। सो मैंने सोचा मैं आप लोग को आज वो दिखाती हूँ कि यहाँ पर कोई भी आपकी लैब टेस्टिंग या ये सब अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स वगैरह कैसे होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, फ्री में होता है, क्या होता है। सो चलिए देखते हैं। देखो, जब ये इमरजेंसी व्हीकल आता है, सो गाइज मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ आज थोड़ा ऑफिस से, मैं 1 घंटा जल्दी निकल गई थी। सो क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है, अल्ट्रासाउंड में भी बहुत वेटिंग होती है, तो आई थिंक 2 महीने से मेरी डॉक्टर ने बेसिकली क्या होता है, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं ना, आप ऐसे जा नहीं सकते कि हाँ मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो, ऑफकोर्स वो रेफ़र होना चाहिए किसी डॉक्टर के थ्रू। तो मुझे जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट है उसने रेफ़र किया था अल्ट्रासाउंड, एंड इट स्टिल टुक मी 2 मंथ्स टू फाइनली गेट दैट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, एंड जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं ना वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपॉइंटमेंट्स कितने मुश्किल से यहाँ पे मिलते हैं। और अभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस, जब भी यहाँ पे कोई इमरजेंसी व्हीकल ऐसे चलती है ना, तो जितने भी रोड पे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो सब पुल ओवर करती हैं। पुल ओवर कहते हैं, यहाँ का एक टर्म है, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना साइड पे लगा, तो वो दैट इज़ पुल ओवर हियर। सो वो सारी गाड़ियाँ पुल ओवर हो जाती हैं ताकि इमरजेंसी व्हीकल पास हो जाए। सो या बस अब पहुँचने वाले हैं, चलिए। सो गाइस मैं हूँ यहाँ पे अभी बुराड एंड नेल्सन स्ट्रीट पे। सो ये देखो, आई एम हियर और मेरा सेंट पॉल्स हॉस्पिटल यही रहा, सो आई हैव टू कम गो देयर, एंड यू कैन सी दिस इज़ द प्राइम एरिया विच इज़ द डाउन टाउन एरिया। तो बस मेरा हॉस्पिटल अभी आने वाला है। है सामने सेंट पॉल्स हॉस्पिटल, उधर जाना है मुझे बस रोड क्रॉस करके। सो बस अब मैं वॉक कर रही हूँ हॉस्पिटल की तरफ, एग्जैक्टली मेरा अपॉइंटमेंट इसी टाइम था। गाइस मैंने मास्क लगा लिया है, दिस इज़ अ नो ब्रेनर, ऑब्वियसली हॉस्पिटल जा रहे हो तो मास्क लगा के ही जाना चाहिए।
सो गाइज जब आते हैं ना इधर तो वो अपना एक अलग से मास्क देते हैं. इट डजेंट मैटर कि आपने अपना कौन सा मास्क लगाया है, देखिए वह मास्क जो आपको अपने मास्क के ऊपर लगाना है. और ऑफ कोर्स फिर उन्होंने मुझे पूरा घुसते ही हैंड सैनिटाइज किए, मास्क वगैरह लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा गाइड कर दिया कि कहाँ पे जाना है. एंड एनी विच वेज साइनेजेस वगैरह प्रॉपर हैं तो कोई इशू नहीं है. और आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल दिखा देते हैं. इट्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट टोटली क्लीन एंड कोई भीड़ वगैरह कुछ नहीं है. तो ये कंसेप्ट क्या है ना रास्ते का, ये दो लाइंस देख रहे हो आप, रेड और ब्लू. सो जो रेड लाइंस हैं, अगर आपको उन डिपार्टमेंट्स में जाना है सो यू हैव टू फॉलो द रेड लाइंस. इन डिपार्टमेंट्स में जाना है तो ब्लू लाइन. मेरा है अल्ट्रासाउंड तो मुझे फॉलो करनी है रेड लाइन जो कि है ये. Thank you.